आप देख रहे हैं दोपहर दमदार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात अफसरों के क्लास की। जी हां, अफसरों को क्लास भी लगाई गई है और दो टूक कहा भी गया है सीएम विष्णु देव साय द्वारा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में सीएम के सख्त निर्देश सामने आए हैं। अपराधियों में पुलिस का भय होना चाहिए, यह भी कहा उन्होंने। गुंडागर्दी ना हो ये एसपी सुनिश्चित करें। पीएम आवास योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाएं, बैंक से पैसे ना मिल पाने की शिकायत ना हो। योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। किसानों को बेवजह दफ्तर के चक्कर ना लगवाएं। साथ ही साथ भ्रष्टाचार की शिकायत मिली तो सख्त कार्रवाई होगी। कामों को टालने वाली पुरानी व्यवस्था बदल दें। पुलिस और प्रशासन के कामों पर मेरी पूरी नजर है। कलेक्टर एसपी को और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। सीएम ने ये दो टूक कहा है एसपी कलेक्टर को कॉन्फ्रेंस में। साई सरकार पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रही है और अब अधिकारियों के साथ उनकी कॉन्फ्रेंस हुई, बैठक हुई बेहद खास, जिसमें उन्होंने दो टूक कहा है कि किसी भी तरह की लापरवाही किसी भी मामले में बर्दाश्त नहीं होगी। किसी भी तरह के अपराधियों को बख्शा ना जाए, जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई हो, भय जो है लोगों में अपराधियों का ना हो, ना ही गुंडागर्दी चलेगी, तो ये सारी चीजों पर सुनिश्चित करें, सीएम ने ऐसा कहा है। तो अफसरों को दो टूक कहा गया है कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। अपराधियों में पुलिस का भय होना चाहिए, गुंडागर्दी ना हो। तमाम मुद्दे रहे जिन पर कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, कलेक्टर एसपी को दिशा निर्देश भी दिए। ज्यादा जानकारी सहयोगी युगल तिवारी से हम लेंगे। युगल, दो टूक यहां पर सीएम साय ने कहा है एसपी को भी, साथ ही साथ कलेक्टर को भी, कि किस अपराधियों के हौसले बुलंद नहीं होने चाहिए, साथ ही साथ जो भी काम है वो समय पर हो, टाल मोल ना हो। यहां पर पूरी तरह से एक्शन में साई सरकार। जी बिल्कुल, देखिए सख्त लहजों से जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं, सभी कलेक्टर और एसपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये बता दिया है कि किसी तरह की लापरवाही कोताही ना बरते जाए। डीमैप फंड में बीते सरकार के दौरान जो घोटाला हुआ था उसका भी उन्होंने जिक्र किया है और उसने कहा है कि विकास कार्य में इन डीएमएफ फंड का उपयोग होना चाहिए। एसपी को सख्त निर्देश दिए हैं कि अपराधियों पर कानून का भय, पुलिस का भय है वो दिखना चाहिए, ये उन्होंने चेता दिया है। साथ ही साथ कलेक्टर को कहा है कि राजस्व मामले के निपटारे होने चाहिए। एसपी और कलेक्टर की जो तारीफ है वो आम जनता को करनी चाहिए। आम जनता की तारीफ अगर करते हैं तब माना जाएगा कि कहीं ना कहीं काम हो रहा है। साथ ही साथ किसी भी जो किसान हैं या फिर लोग हैं उन्हें दफ्तरों के चक्कर काटने ना पड़े, ऐसी व्यवस्था करने की बात उन्होंने कही है। और इससे भी अलग बात यह है कि जो काम का जो समय है वो निर्धारित करने की बात कही है कि अगर कोई व्यक्ति का काम वहाँ पर कार्यालय में है तो तय समय पर उनके काम है उसका निपटारा हो जाना चाहिए। और खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये कहा है कि तमाम चाहे एसपी कलेक्टर के कामों की मॉनिटरिंग वो लगातार कर रहे हैं, उस पर भी वो नजर है। इसके अलावा ऐसे अधिकारी जो भ्रष्टाचार पर सम्मिलित हैं उन पर सख्त निर्देश दिया है कि किसी भी तरह की जो भ्रष्टाचार की शिकायत आएगी तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मतलब यही है, विष्णुदेव साय पूरी तरह से एक्शन में है और किसी तरह की लापरवाही हो या टाल मटोल हो ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। सीएम साय के द्वारा ये साफ निर्देश जो है दिए गए हैं कलेक्टर को और एसपी को। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया युगल, जानकारी को साझा करने के लिए लगातार बने रहिएगा। तो अब बात पोस्टर वॉर की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव से पहले पोस्टर वॉर जारी है। पोस्टर आप देख रहे हैं, इसके जरिए भी हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी पोस्टर के जरिए कांग्रेस प्रत्याशियों पर हमला बोल रही है। पार्टी रोज एक पोस्टर जारी कर रही है। भूपेश बघेल शिवडहरिया के बाद अब बीजेपी ने ज्योत्सना महंत का पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में ज्योत्सना महंत को लापता बता दिया। इसके पहले बीजेपी ने पोस्टर जारी कर शिवडहरिया पर जमीन पर कब्जे का आरोप लगाया था, तो भूपेश बघेल के पोस्टर में जिहादी गिरोह का झंडा दिखाया गया था। तो पोस्टर के जरिए ज्योत्सना महंत पर हमला, पोस्टर वॉर बीजेपी जो है लगातार बीजेपी की तरफ से हो रहा है। लोकसभा चुनाव नजदीक है और इससे पहले बीजेपी छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से माहौल बना रही है और पोस्टर रोज एक जारी कर रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो दिग्गज हैं, बड़े नेता हैं जिन्हें मैदान में उतारा भी गया है, उन्हें कहीं ना कहीं आड़े हाथों बीजेपी ले रही है। सहयोगी युगल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। युगल, अब तो
रोज नए नए पोस्टर देखने को मिल रहे हैं, रोज अगर इसी तरह से नए नए पोस्टर देखने को मिलेंगे तो लग रहा है सारे जितने भी नेता है मैदान में जो उतारे जा रहे हैं वो सब इसी में हमें दिखाई देंगे आने वाले दिनों तक। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लोकसभा के 11 सीटों में बीजेपी कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं उनका एक एक करके पोस्टर जारी किया गया है। राजनांदगांव के जो प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं उनको लेकर के पोस्टर जारी किया गया, जिहादी ग्रुप बता दिया गया था। और अब इसके अलावा जो है शिव डहरिया जो जहांगीर लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं उनका पोस्टर जारी करते, जमीन घोटाले पर उनके नाम को उजागर करते हुए एक पोस्टर जारी किया है। अब कांग्रेस के जो कद्दावर नेता हैं चरणदास महंत की पत्नी ज्योत्सना महंत जो कोरबा से सांसद भी हैं उन्हें लापता घोषित होते हुए ये भी निष्क्रिय सांसद उन्होंने बताया है और सक्रिय जो सांसद है उसे चुनने की अपील है जनता से की है और जनता कोरबा के जो मतदाता है उनसे आगाह भी उन्होंने किया है। तो बीजेपी लगातार जो ट्विटर हैंडल हैं उसके माध्यम से एक जो पोस्टर है वो जारी कर रही है और ये बात तय है कि आने वाले समय में और भी जो कैंडिडेट से कांग्रेस के जो लोकसभा के जैसे नामों का घोषणा होगा या प्रत्याशी घोषित होंगे उसके बाद उनके भी पोस्टर देखने को मिल सकते हैं। बीजेपी ये जान रही है कि उनके जो सोशल मीडिया में बहुत सारे फैन फॉलोअर्स हैं तो उनको भुनाने का प्रयास है और लगातार कर रही है और बीजेपी लगातार एग्रेसिव मूड में है और यही वजह है कि कांग्रेस पर हमला लगातार वो कर रही है। जी बाकी बीजेपी एग्रेसिव मूड में तो है ही है युगल, और जिस तरह का तरीका इख्तियार किया गया है कि पोस्टर वॉर यहां पर किया जाए, पोस्टर्स के जरिए आम लोगों में एक अलग संदेश दिया जाए, अलग ही देखने वाली बात होगी कि इसका कितना प्रभाव आम जनता पर पड़ता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया, चलिए आगे बढ़ते हैं, जिक्र हरदा का कर लेते हैं यहां पर।